दिल्ली NCR में भीषण गर्मी का दौर जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार तक दिल्ली में लू चलने की संभावना बनी हुई है। हालांकि मंगलवार से गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 से 14 अप्रैल तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। इस दौरान अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है, जिसकी वजह से तेज धूप और लू से थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि 15 अप्रैल से एक बार फिर मौसम साफ रहेगा और गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा। इससे पहले मौसम विभाग ने दिल्ली में आज भीषण लू चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी बीच पिछले 5 सालों में अप्रैल का महीना इस बार सबसे ज्यादा गर्म रहा। दिल्ली में 21 अप्रैल 2017 को अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। इसके बाद 9 अप्रैल यानी शनिवार को सफदरजंग वेदशाला में अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं दिल्ली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहला स्टेशन बन गया जहां अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। CPCB के अनुसार रविवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में 181 है। वहीं नोएडा में QI खराब श्रेणी में 269 दर्ज हुआ है, जबकि गुरुग्राम में खराब श्रेणी में QI 210 रिकॉर्ड हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।